सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन एक घटना ऐसी भी थी जिस पर मास्टर ब्लास्टर के भी आंसू छलक पड़े थे। इसका जिक्र इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हर्मिसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। उन्होंने स्पीड डेमंस में लिखा है, 26-11 के मुंबई हमले के बाद इंग्लैंड की टीम 2008 में भारत दौरे पर आई थी। दो टेस्ट मैचों से पहले इंग्लैंड की टीम 7 मैचों की वनडे सीरीज 5-0 से हार चुकी थी। वो याद करते हुए कहते हैं कि कैसे ECB और BCCI ने टेस्ट सीरीज खेलने पर रजामंदी जताई थी और सचिन तेंदुलकर ने नम आंखों से उनका मैच खेलने को लेकर शुक्रिया अदा किया था। हर्मिसन ने लिखा है कि हमले के दौरान इंग्लैंड की टीम बेंगलुरु के एक होटल में ठहरी थी। खिलाड़ी इसलिए सकते में थे क्योंकि 2 हफ्ते पहले वो लोग उसी ताज होटल में ठहरे थे जहां हमला हुआ था। उन्होंने लिखा, मैं, एंडी फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन घटना को देख रहे थे। हमें लगा कि सुरक्षा कारणों की वजह से दौरा रद्द हो जाएगा, लेकिन ECB और BCCI ने सीरीज जारी रखने का फैसला किया। हालांकि ECB ने कहा कि सीरीज खेलने का फैसला उनका अपना है। चेन्नई में हुआ पहला टेस्ट भारत 6 विकेट से जीत गया। चौथी पारी में सचिन ने चौका मारकर अपना शतक और भारत को जीत दिलाई। जब वो ड्रेसिंग रूम में लौटे तो ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को धन्यवाद दिया। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। हर्मिसन ने लिखा, चेन्नई टेस्ट की हार शायद इकलौती थी जिस पर मैंने ज्यादा गम नहीं किया। मुझे नहीं पता कि एक स्क्रिप्ट राइटर भी इससे अच्छा कुछ ला सकता है कि महान सचिन तेंदुलकर ने एक ही शॉट से भारत को जीत दिलाई और अपना शतक पूरा किया। उनका ड्रेसिंग रूम में आना और इतने प्यार से धन्यवाद कहना बहुत शानदार था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।